हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा YouTube सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि बहुत सारे चैनल हमने देखा है, जब आप बिगिनर होगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल में ऐसे होंगे कि जिस पे सब्सक्राइबर शो ही नहीं करता। तो आप भी चाहते हो कि मैं भी कैसे हाइड करूं, एज ए बिगिनर हाइड आपको करनी चाहिए। इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको हाइड क्यों करनी चाहिए, इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको हाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हाइड किसको करना चाहिए वो भी बताऊंगा, ठीक है, किसको नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट, सब्सक्राइबर हाइट क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि जब भी आप छोटे क्रिएटर होते हो तो आपके पास मुश्किल से आपके दोस्त 10, 20, 50 जितने भी हैं सब्सक्राइब किए रहते हैं, उसके बाद आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होता। तो क्या होता है, जब भी कोई, आप कितने ही अच्छे क्यों वीडियो नहीं क्यों ना बनाओ, लेकिन जब कोई ऑडियंस बाहर से आता है तो देखता है कि भाई इसके चैनल पे तो खुद का सब्सक्राइबर नहीं है, ये क्या बता रहा होगा, लोग को अच्छा नहीं लगता होगा फिर भी इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लेकिन उनको थोड़ी पता है कि आप बिगिनर हो, आपने आज या कल स्टार्ट किया है। तो सब्सक्राइबर हाइड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स आपने देखे हैं, सब पहले सब्सक्राइबर हाइड करते थे, जब वो 1000 प्लस कर लिए तब जाके वो हाइड हटा दिया। कितने सारे ऐसे भी हैं इनके 10000 प्लस भी सब्सक्राइबर हैं लेकिन वो हाइड किए हुए हैं। इसका भी अलग रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। तो यहाँ मैं बता दूँ गाइज कि मैंने भी क्या किया था, मैंने भी सब्सक्राइबर हाइड किया था। जब मेरे 500 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं हो गए थे तो मैं हाइड किया था। मैं बता दूँ आपको क्यों मैंने हाइड किया था। इसका यही रीज़न है कि जब आप छोटे क्रिएटर होते हो, कोई आपको देखता है तो मन सोचता है ही, उसके माइंड में ऑटोमेटिक जाता है यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर, 10-20 सब्सक्राइबर, जैसे उसके मन में जाता है तो वीडियो देखना एक छोड़ देता है। मतलब कितना ही अच्छा क्यों ना आपने वीडियो बनाया हो, वो नहीं देखता, इसलिए कि क्योंकि उसको लगता है कि ये बेकार वीडियो है इसीलिए कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। लेकिन वीडियो में जाओगे तो आप क्वालिटी दिखेगा, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं नए नए में क्वालिटी भी देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं, वो भी YouTube स्टूडियो में जाके। अपने मोबाइल से ही हाइड कर सकते हो, कोई आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जैसे किया है मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैं आपको ले जाऊंगा अभी मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाऊंगा सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं। तो गाइस, वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही 5 वीडियो बना चुका हूँ YouTube रिलेटेड, जैसे कि जिसमें था चैनल क्रिएट कैसे करें, चैनल वेरीफाई कैसे करें, और चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा वॉच टाइम पूरा कैसे करें। तो तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देख लेना। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कैसे हाइड करते हैं। दोस्तों, अपने चैनल का यूट्यूब सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया हो डेस्कटॉप साइड में कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको अपने चैनल का वो जो लोगो है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना, YouTube स्टूडियो पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप YouTube स्टूडियो पे क्लिक करोगे तो आपको आपके YT स्टूडियो में ले जाता है, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने चैनल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज चैनल का, यहीं पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है, क्योंकि बाकी जगह में करोगे तो नहीं ओपन होता। तो कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना। जैसे मैं आप कस्टमाइज चैनल पे जाऊंगा तो यहाँ पे गूगल क्रोम में ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा, बाकी चीज़ ट्राई करोगे तो नहीं होता, YT स्टूडियो पे ही ले जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको गूगल में YT स्टूडियो पे जाना है, तो गूगल में स्टूडियो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको एक सेटिंग ऑप्शन नीचे, देखो यहाँ पे जाना है। जब भी आप नीचे जाते हो यहाँ पे नीचे पे एक सेटिंग ऑप्शन दिखता है, देखो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे जनरल का ऑप्शन आता है, चैनल का ऑप्शन आता है, अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन आता है, परमिशन कम्युनिटी एग्रीमेंट का आता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है जनरल पे क्लिक। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बेसिक इन्फो आएगा, यहाँ पे एडवांस सेटिंग आएगा, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे जाना है, ये चीज़ देखो यहाँ पे जो मेड फॉर किड्स आता है, यहाँ पे नो ही रखना है आपको हमेशा, मैं तो नो ही रख देता हूँ अगर आप बच्चों के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते तो। यहाँ पे और एक कैप्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट, तो देखो यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइबर काउंट के देखो यहाँ पे एक बॉक्स पे मैंने टिक किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपना सब्सक्राइबर हाइड नहीं किया है। अगर आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट पे जो टिक बटन उसको हटा देना है। देखो यहाँ पे मैंने हटा दिया, और यहाँ पे हटा देने के बाद यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आता है नीचे, कहीं नहीं जाना आपको, राइट में आपको नीचे में सेव का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपका यहाँ पे देखो सेव सेटिंग सेव लिख के आएगा और आपका काम हो गया। तो आप बोलोगे दोस्तों
कि जल्दी हो जाता है तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है सब्सक्राइबर हाइड करें। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद आपको मेरा सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है सब्सक्राइबर हाइड, और मैंने आपको बता दिया क्यों हाइड करते हैं, क्या रीज़न होते हैं, और बाद में कभी बताऊंगा कि सब्सक्राइबर हाइड करने का मतलब नहीं करने का वो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे, आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो। और फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल यूट्यूब वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बस इतना ही बोल के वीडियो का एंड करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जल्द मुलाकात होगी नई यूट्यूब रिलेटेड वीडियो के साथ।